हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल माय होम गार्डनिंग में। और आज हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत और रेयर प्लांट है। इसका नाम है फ्लेमिंगो लिली और फ्लेमिंगो फ्लावर भी इसे कहा जाता है। और लेकिन इसके जो जनरल जो हम नाम से जानते हैं वो इसे जानते हैं एंथूरियम। तो ये एंथूरियम का प्लांट है। ये देखिए कितनी चमकदार इसकी पत्तियाँ होती। देखिए इस पर जो मिट्टी जम रही है, क्योंकि इसे मैंने बाहर रखा था, इस पर जो मिट्टी जम गई है इसे मैंने साफ़ नहीं किया। तो इसके लिए आपको इस पर स्प्रे कर देना चाहिए, स्प्रे करते रहना चाहिए। और ये देखिए इसके फ्लावर जो हैं पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने से इस पर लगे हुए थे इस पेडिक इसके, और अब वो धीरे धीरे सूख रहे हैं और ये नए फ्लावर भी इस पर आने लगे हैं। और ये देखिए एक छोटा सा फ्लावर यहाँ पर आपको ये दिखेगा, नया फ्लावर यहाँ पर ये खिल रहा है और ये बहुत ही इजीली डिवाइड होते रहते हैं। ये देखिए अब अगर मैं चाहूँ इसको तो यहाँ से एक और ये दो पौधे हैं, इससे मैं आराम से अकेले अलग से निकाल कर अलग अलग इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इससे ये दो पौधे बन जाएंगे और ये जो दूसरा वाला है इसमें भी देखिए आप एक दो पौधे में इससे भी बना सकता हूँ। और ये देखिए यहाँ से ये नए नए पौधे निकल रहे हैं, और क्योंकि इसे जो आपकी जो सॉयल है इससे थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर से इसकी रूट्स निकलती रहती हैं और ये रूट्स थोड़ी सी बड़ी होकर जाके आपकी सॉइल के अंदर सेट हो जाती है। उसके बाद में नए नए पौधे इसके जो रूट्स हैं उसी से नए नए पौधे बनते रहते हैं। और इस तरह से आपके एक पौधे से कई सारे पौधे बहुत ही आसानी से एंथूरियम के बन सकते हैं। और बात करें इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में, तो इसका पॉटिंग मिक्स कुछ जो हमारा पीस लिली होता है उसी तरह का इसको भी पॉटिंग मिक्स चाहिए होता है। इसमें हम एक पार्ट परलाइट का, एक पार्ट वर्मिक्यूलाइट, एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट और एक पार्ट इसमें कोको बीट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बहुत ही पोरस जो पॉटिंग मिक्स हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट पॉटिंग मिक्स इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं देखिए ये इसकी जो रूट्स हैं बहुत ही नाजुक नाजुक से इसकी रूट्स होती हैं। और इसे फैलने के लिए, इसे ग्रोथ करने के लिए बहुत ही सॉफ्ट मीडिया इसका होना चाहिए, पॉटिंग सॉइल इसकी जो है। और हम इसमें बिल्कुल भी, मैंने इसमें कोई गार्डन सोइल या और कुछ यूज़ नहीं किया है, जो मैंने आपको बताया है बस वही मैंने इसके अंदर यूज़ कर रखा है। अब देख रहे होंगे कि कुछ कुछ इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगी हैं, तो इसकी मैंने कुछ ज़्यादा ही अनदेखी कर दी थी। इसे मैंने बाहर ही धूप में, तीखी धूप में ही इसे छोड़ दिया था, जिससे इसकी पत्तियाँ कुछ जलने लगी हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि गलतियाँ कर करके ही इंसान सीखता है। तो ये देखिए इस तरह से मेरी जो कुछ एक पत्तियाँ इसकी जो जलने लगी हैं, तो ये ध्यान आप रखें कि इसे सीधी धूप में आप बाहर नहीं रखें। अगर सीधी धूप में रखेंगे तो इस तरह से इसकी पत्तियाँ जलने लग जाती हैं, और जब मैं इसे फिर से इंडोर रख दूंगा तो ये फिर से सारी पत्तियाँ हेल्दी हो जाएंगी, सारे हमारे प्लांट हेल्दी हो जाएंगे। कहते हैं कि एंथूरियम के लिए गमला किस तरह से होना चाहिए, पॉट इसका कैसा होना चाहिए। तो ये देखिए ये छोटा सा एक पॉट है मेरे पास, ये होगा 6 से 6-7 इंच का ये गमला है मेरे पास, छोटा सा है ये। और इसके अंदर मैंने ये, इसमें पॉटिंग मिक्स के अंदर मैंने ये पौधे को मेरे लगा रखा है। और क्योंकि इसे छोटे गमले में इसीलिए लगाया जाता है कि इसे जो है रूट बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिस तरह से हम दूसरे पौधों के अंदर हम हमेशा चिंता में रहते हैं कि उसे बड़े गमले में लगाया जाए, नहीं तो रूट बॉन्डिंग होने के बाद पौधा ख़राब होने लग जाता है, तो ये इसका उल्टा है बिल्कुल ही। इसे जितनी ज़्यादा रूटिंग होगी, जितनी ज़्यादा इसकी रूट बॉन्डिंग होगी उतना ही इसके लिए अच्छा है, और उतना ही इसे रूट बॉन्डिंग होना पसंद है। तो हम जब इसे रिपोर्ट करेंगे तब इसको दिखाएंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ नहीं जाती है, बल्कि इसके राउंड राउंड सर्कल में घूमती रहती है, वो नीचे कम जाती हैं और सारी ऊपर। ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा
ये जो इसकी रूट्स हैं ये आपको ऊपर ही नजर आ रही है, ये देखिए ये देखिए, ये नीचे से निकल के इसकी जो रूट्स हैं वो ऊपर ही रहती हैं, तो इस तरह से इसकी ये देखिए। तो इसीलिए इसे रूट बाउंडिंग होना बहुत ही पसंद होता है। तो इसे हम ज़्यादा बड़े गमले में अगर लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम इसे छोटे से गमले में लगाएंगे तो छोटे गमले में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा, और ये जो रूट्स हैं इन्हीं में से नए नए पौधे भी निकलते जाएंगे और आपके पौधे जो है मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और फिर आप इसको सेपरेट करके अलग अलग गमलों में लगाकर बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये मार्केट में बहुत ही कॉस्टली बिकता है, बहुत ही महंगा बिकता है। ये इस साइज़ का प्लांट अगर आप लेने जाएंगे तो कम से कम आपको 600 700 से 800 तक का ये एक पौधा मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आप इस तरह का एक छोटा पौधा लाइए और उसमें अच्छे से केयर करके उसे बहुत ही अच्छे से आप रखिए, और बहुत जल्दी ये डिवाइड होता रहता है। वैसे ये क्योंकि इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत फास्ट नहीं होती, स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं इंडोर के जितने भी प्लांट्स हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ज़्यादा इसको हमें लगता है कि कई बार कि इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या इस पर ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो हम इसमें बहुत ही ज़्यादा फिर इसको अलग अलग फर्टिलाइजर देने की कोशिश करते हैं जिससे इसमें फ्लावरिंग आ जाए या इसमें बहुत ही बड़ा हमारा प्लांट हो जाए। इस तरीके का सोच के हम इसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर दे देते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी दे देते हैं। इसके अलावा हम इसमें कई सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर वो भी देते हैं, तो उस कंडीशन में पौधे हमारे ख़राब होने लग जाते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा दे सकते हैं, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में इसमें दीजिए। इसके अलावा क्योंकि इसे खाद की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये जो US के कनाडा के जो जंगल हैं उनमें जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाल में जो गैप बन जाता है तो उसमें ये अपने आप ही उग के आ जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। जो ह्यूमिडिटी वाला एरिया होता है वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, और ह्यूमिडिटी में गर्मी के साथ पानी की जो नमी होती है तो उसी नमी से ये अपनी नीड पूरी कर लेते हैं, खाना पानी इसे वहीं से मिल जाता है, तो इसे ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी की आदत नहीं होती। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप इसका जो है खाद इसे ज़्यादा नहीं दें, पानी भी इसे ज़्यादा नहीं दें। हाँ, आप महीने में एक बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ज़रूर दे सकते हैं, और 2 से 3 महीने के गैप में आप इसमें NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 ये कुछ दाने इसमें ज़रूर आप इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इसमें कभी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह का वाइल्ड प्लांट है और अब तो ये घरों में लोग इसको इंडोर की तरह लगाने लगे हैं, तो ये इसकी कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी बहुत महंगे प्लांट मिलते हैं ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि इंडोर हम इसे लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, जो हवा में जो हानिकारक जो गैसें होती हैं, हानिकारक जो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, उनको खींच के ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वापस रिलीज कर देता है, तो ये हमारे घर के वातावरण को बहुत ही शुद्ध बनाने वाला पौधा है। इसीलिए खूबसूरती के साथ ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और बेसिकली जिसे हम फ्लावर समझते हैं वो एक इसी का मॉडिफाइड लीफ होता है, और उसके बीच में जो स्पेटिक है उस पर छोटे छोटे से फ्लावर लगते हैं और उसी में सीड पॉड इसका तैयार होता है। तो ये देखिए, इस पे जो स्पेटिक इस पे लगे हुए थे तो पिछले 1-1.5 महीने से लगे हुए थे, और अब धीरे धीरे फ्लावर की जो है अब ये देखिए कुछ हरापन लिए हुए आने लग गया है, तो कुछ कुछ हरा हो जाता है, ग्रीन होने लगता है जब इसकी फ्लावर की लाइफ पूरी होती है। तो ये देखिए इसे कॉर्नर पे भी ये धीरे धीरे ग्रीन होने लगा है, तो इसकी लाइफ पूरी होने वाली थी तो मैंने इसकी स्पेटिक है उसको तोड़ के निकाल लिया, और उसी से मैं सीड तैयार करूँगा और उसको सीडलिंग करके मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो था कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस मुझे पूछ सकते हैं, और मैं ज़रूर उसका आपको जवाब दूंगा कमेंट करके। तो आप अगर इसमें चाहें तो कुछ कोयला भी इसमें मिला सकते हैं, मैं बताना भूल गया था, कोयला इसमें चारकोल जो होता है वो भी इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, कोयला भी आप इसमें दे सकते हैं। अभी इस पर कुछ डस्ट जमी हुई है इसीलिए इसकी पत्तियाँ कुछ मेली कुचली दिख रही हैं, और क्योंकि इसे मैंने सीधी धूप में रखा हुआ था तो कुछ पत्तियाँ इसकी ख़राब होने लगी थी, लेकिन अब अगर मैं काफ़ी चमकदार इसकी पत्तियाँ होती हैं
और जब मैं इसे फिर से शेड में रख दूंगा या छाया वाली जगह पर रख दूंगा तो ये बहुत ही अच्छे से फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। इसे ह्यूमिडिटी बहुत ही पसंद होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब है गर्मी के साथ नमी, और ह्यूमिडिटी इसको ज़्यादा पसंद होती है। और देखिए, आप गर्मियों में इसकी कुछ खास केयर की जाती है, क्योंकि गर्मियाँ इसके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती हैं। तो आप ध्यान रखिए, गर्मियों में आप इस पर इस तरह से हल्का हल्का पानी का एक शावर ज़रूर दे देते हैं। इस तो ये बहुत ही हेल्दी रहता है गर्मियों में। इस तरह से ये देखिए, आप इस पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होगा, अच्छे से ग्रोथ इसकी चलती रहेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया है कुछ खास इसकी इन्फॉर्मेशन। और हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखने की है कि आप अगर चाहें तो इसमें जो लीप मोल्ड है वो दे सकते हैं, जो पत्तियों की खाद है उसे आप इसमें ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, काउडंग कंपोस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है। काउडंग कंपोस्ट यानी कि गाय के जो गोबर से बनी हुई सड़ी हुई जो खाद होती है, वो गोबर की खाद इसे बिल्कुल नहीं देनी है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन ज़्यादा इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए आपको गोबर की खाद इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में।